आपका स्वागत है आपके भाइयों के चैनल MM इंदौरी के अंदर। तो जैसा हमने आपको बताया था, हम सेकेंड वीडियो लाने वाले हैं जो हमारी फूड स्ट्रीट की आएगी। ये अपना बाईपास रोड पर पड़ता है। फूड स्ट्रीट काफ़ी अच्छी लोकेशन है और मेन रोड की लोकेशन है, क्राउड वगैरह भी अच्छा रहता है। तो आज हम आए थे फूड स्ट्रीट घूमने के लिए। फर्स्ट वीडियो हमारी आएगी है फूड स्ट्रीट की। अभी तक किसी ने लाए नहीं है कि वीडियो, अभी हमने देखा भी नहीं था, तो हमने बोला चलिए हम इसको रिव्यू करते हैं जाके। तो आज हम आए थे फूड स्ट्रीट घूमने के लिए। सबसे अंदर की तरफ कितना अच्छा डेकोरेशन करा है। और हम लोग जब गए थे, जब शाम का रात का टाइम था, ऑफ होने का टाइम आ गया था, फिर भी इतनी सारी क्राउड वगैरह, गाड़ी वगैरह खड़ी थी, क्राउड वगैरह पूरा उन लोगों ने ऊपर शिफ्ट करके रखा था। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारे मौसम भाई को इतनी जल्दी है, देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है ये। पहले चलते हैं बच्चों की तरफ, उसके बाद हम आपको फूड का, बिस्किट का। बच्चा बता रहा हमें एक्टिविटी करके। तो ये देख सकते हैं, मतलब पेरेंट्स के लिए भी बैठने की व्यवस्था रखी हुई इन्होंने अंदर की साइड की। बच्चे अकेले नहीं रहे, पेरेंट्स भी रहते हैं ये। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है। हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर। रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने दे रखा है, बैठने की पूरी व्यवस्था। अगर बारिश वगैरह का टाइम भी रहता है तो रेस्टोरेशन वगैरह भी है। ऊपर जिम भी है यहाँ पे। यहाँ पर चाय का जायका दिलाते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है यहाँ की। हमने चखी नहीं, याद है अपन आए थे टाइप पे। हम बस आ गए हैं हम T20 बहुत ही अमेजिंग बना हुआ देख सकते हैं। और इसके साइड में खाना, जूस, आइसक्रीम। यहाँ का सीटिंग मैनेजमेंट है पूरा ये। चलिए तो ढूंढते हैं यहाँ के ऑनर कहाँ है आखिर। ओह सर, T20 कैफे एंड बेकरी के ऑनर। थोड़ी बात करते हैं और यहाँ के बारे में डिटेल लेते हैं। चलिए, ये भाई का कैफे है, हमारी बात हुई थी पहले। एक बार हम आए, यहाँ पर आए थे, मिलना हुआ था हमारा। बहुत ही शानदार बनाते बेकरी का आइटम है इनके पास में। और क्या क्या भाई आप बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। हॉट एंड कूल बेवरेजेस है, कोल्ड कॉफ़ी, केक, मॉकटेल, आइस टी, लेमन टी, ग्रीन टी। अच्छा, टी के साथ ये भी आपका हॉट एंड कूल बेवरेजेस टोटल है मेरे पास। अब भी आए तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। ये देख सकते हैं इनका चार्ट लगा हुआ है प्राइस का। T20 कैफे जूस, ये देखिए। हॉट कॉफी, काफी टेस्टी है। आज अच्छे बने भैया T20, बहुत अमेजिंग लग रही है यार। तारीफ करना पड़ेगा, बहुत शानदार बनी। ये साउथ इंडियन डिश का है पूरा मैगी, और इस साइड भी देख सकते हैं मोमोज मिलता और रसोई। ये T20 मेन्यू राजीव वैरायटी थोड़ा पेड़े पड़ता है। ये जयपुर स्ट्रीट नाम है इसका, महाविहार कॉलोनी है इसके पास में। यहाँ पर काफी आप जब भी आओ यहाँ का टेस्ट करना फूड बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार साउथ इंडियन फूड है। और मैगी टाइप मैगी है, मोमोज है और चाय है, मोजिटो है, मतलब हर प्रकार का यहाँ पर टोटल आपको फूड मिल जाएगा जो भी आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को खेलने की व्यवस्था अच्छी रखी है, मतलब एक्टिविटी जोन अच्छा रखा बच्चों के लिए। हर कहीं होता नहीं एक्टिविटी जोन, पूरे इंदौर के अंदर देखा जाए तो एक या दो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे एक्टिविटी जोन होता है। कोई बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ जाके इंसान परेशान होता है, बट यहाँ पे जो है प्ले स्टेशन भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा दे रहा है, एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की, इससे बच्चों की सेहत भी मेंटेन रहती है, आप ये समझ सकते हैं। और फैमिली अगर आती है तो बच्चे तो पता है शरारत कितनी करते हैं, उस हिसाब से जो इन्होंने गेमिंग जोन और ये सारी चीज़ें बनाई है, बच्चों के लिए गार्डन बनाया बहुत ही शानदार बनाया है। और कपल्स के हिसाब से तो बहुत ही सही जगह बोलूँगा मैं, ये बहुत ही शानदार जगह है। और फैमिली के हिसाब से भी बहुत ही शानदार जगह है ये, फैमिली कपल जो भी, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे परेशान करने के लिए नहीं है, इंसान की जो परेशानी होती है, हाईवे रोड है ये, मेन रोड चलता हुआ, तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। काफ़ी अच्छा सेटअप जो है रखा, काफ़ी सेटअप रखा। हम आपको एक बार वो सेटअप दिखा देते हैं यहाँ का, चलिए आपको लेके। तो ये देखिए अब बच्चे और एक्टिविटी जोन वगैरह कर रहे थे, ये देखिए आप बाहर से पहले व्यू फिर आपको। अमेजिंग लग रहा है ना यहाँ पर, लाइफ काफ़ी अच्छा लग रहा है, जरूर आना। और एक बार अगर आए ना तो फिर बार बार आओगे आप यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग है। और आगे पूरी 40 किलोमीटर की तरफ आपको। तो भैया फिर क्या बना रहा हूँ? भैया 2 मिनट चल रहा है। रेस्टोरेंट